Assalamualaikum तो यारो कैसे हो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यार Infinix Note 10 Pro के बारे में। आप Infinix ने इसको लॉन्च कर दिया है और मैं आप लोगों को बताऊंगा इसकी प्राइस स्पेसिफिकेशन का हम रिव्यू करेंगे और क्या ये स्मार्टफोन आप लोगों को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है Infinix Note 10 Pro में तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो यार। तो स्टार्ट करते हैं। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक भी जरूर करें, सब्सक्राइब भी जरूर करें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे पेज को फॉलो जरूर करें और लाइक भी जरूर करें। अब अगर हम लोग बात करें Infinix Note 10 Pro के बारे में तो यार शुरुआत करते हैं इसके डिजाइन से। तो अगर हम इसको डिजाइन वाइज बात करें ना तो यार काफी जबरदस्त हमें इसमें डिजाइन देखने को मिलेगा और प्लास्टिक बैग हमें प्रोवाइड की गई है और आपको इसमें तीन कलर देखने को मिलेंगे। एक हमें ब्लैक कलर देखने को मिलेगा, दूसरा हमें पर्पल कलर देखने को मिलेगा और आखिरी जो कलर है वो हमें सिल्वर कलर देखने को मिलेगा। और कलर्स और डिजाइन नो डाउट काफी ज्यादा अच्छे हमें देखने को मिलते हैं। और आप लोगों को कौन सा ज्यादा पसंद आया आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। और इसी के साथ अगर हम इसकी डिस्प्ले के बारे में बात करें ना तो इसमें हमें 6.95 इंचेस की फुल एचडी प्लस हमें डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले है। और आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगी और आपको इसमें 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। और अगर हम देखें ना तो वैसे आप लोगों को इसमें मतलब गोरिल्ला ग्लास का जो है ना कंफर्म नहीं है कि इसमें हमें देखने को मिलता है या नहीं। वैसे अगर हम डिस्प्ले देखें तो 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आ रही है और पंच होल हमें डिस्प्ले देखने को मिल रही है। तो डिस्प्ले वाइज तो ये स्मार्टफोन काफी जबरदस्त होने वाला और काफी बड़ी हमें डिस्प्ले देखने को मिल रही है। और इसके अलावा अगर हम इसके प्रोसेसर के बारे में बात करें ना तो इसमें हमें मीडियाटेक हेलियो G95 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। अब ये जो प्रोसेसर है ये 12 नैनोमीटर पर बेस्ड है और ऑक्टाकोर में प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और नो डाउट मतलब जिस प्राइस रेंज में लॉन्च हुआ है ना उस हिसाब से परफॉर्मेंस आप लोगों को काफी जबरदस्त देखने को मिलने वाली है और 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले है। तो गेमिंग साइड से भी मतलब अगर आप लोग स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो ये स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेहतर होने वाला है। और साथ ही अगर हम इसके कैमरास के बारे में बात करें ना तो बैक में हम इसमें क्वाड कैमरास देखने को मिलेंगे। मेन जो सेंसर है वो हमें 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। अब ये सैमसंग वाला या सोनी वाला मतलब ये मतलब कंफर्म नहीं है। और अगर हम देखें ना तो दूसरा में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर देखने को मिलेगा, तीसरा में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिलेगा और आखिरी जो सेंसर है वो हमें 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। और साथ ही अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करें ना तो यार फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलेगा जो कि हमें पंच होल के साथ देखने को मिलेगा। तो चलो यार अब बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में। तो इसमें हमें 5000 एमएएच की बैटरी देखने को मिलेगी और आपको इसमें 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ साथ टाइप सी जैक भी देखने को मिलेगा। और अगर हम देखना तो बैटरी साइड से भी ये स्मार्टफोन हमें काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है और अडेप्टर भी आप लोगों को भाई 33 वोल्ट का ही देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। और अगर हम साथ ही इसके ओएस के बारे में बात करें ना तो इसमें हमें एंड्रॉइड 10 देखने को मिलेगा जो कि XOS 7.2 के साथ देखने को मिलेगा। आपको इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, डेडिकेटेड सिम स्लॉट और 3.5 एमएम जैक के साथ साथ आप लोगों को इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी देखने को मिलेंगे जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। तो यार ये थी यार Infinix Note 10 Pro की स्पेसिफिकेशंस। और अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में और क्या ये स्मार्टफोन आप लोगों को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए मैं आप लोगों को ये भी बता दूं। तो अगर हम देखें ना तो इसकी जो प्राइस रखी है वो रखी है 31000 रुपए Infinix ने और इसमें हमें 8GB रैम 128GB वाला वेरिएंट देखने को मिलता है और शायद मतलब एक और वेरिएंट भी हमें देखने को मिल जाए 8256। और अभी के लिए तो आप लोगों को ये वेरिएंट देखने को मिल रहा है और अभी इसके प्री ऑर्डर चल रहे हैं, दराज पे भी चल रहे हैं, expert.pk भी चल रहे हैं। तो उसमें ही आप लोगों को 30000 रुपए का देखने को मिल रहा है और आई रोकर आप लोगों को मिल रहे हैं जो कि 2-3000 रुपए के मतलब 27-28000 रुपए का ये स्मार्टफोन आप लोगों को पड़ जाएगा। और अगर हम देखें ना तो गेमिंग साइड से अगर आप लोग कोई स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो तो उस हिसाब से तो ये स्मार्टफोन भाई बेस्ट रहेगा। मतलब परफॉर्मेंस आप लोगों को काफी लाजवाब देखने को मिलने वाली है। और कैमरा साइड से अगर हम बात करें ना तो ओवरऑल मतलब कैमरा साइड से भी काफी ज्यादा अच्छा हमें देखने को मिलने वाला है और डिस्प्ले भी हमें काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल रही है और 5000 एमएएच बैटरी देखने को मिल रही है। तो Infinix ने यार मतलब काफी ज्यादा अपने आप को बेहतर कर लिया है भाई। मतलब हमें पहले मीडियाटेक हेलियो P22 हमें प्रोसेसर देखने को मिल रहे थे Infinix के, लेकिन अब हमें काफी ज्यादा अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। और अब जो है ना भाई ये Xiaomi को भी सही मतलब टफ टाइम प्रोवाइड कर रहा है और थोड़े टाइम बाद ये ऑफलाइन मार्केट में भी आने वाला है। तो इसीलिए मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करूंगा अगर आप मतलब प्री ऑर्डर्स भी कराना चाहे तो वो भी बेहतर है। 27-28000 रुपए का आप लोगों को मतलब एयरबड्स भी मिल जाएंगे जो कि 2-3000 रुपए उसकी प्राइस है। तो उस हिसाब से जो है ना ये आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। और अगर आप लोग रेंज है 30000 रुपए तो मैं तो आप लोगों को फुली रिकमेंड करूंगा और स्पेसिफिकेशन काफी जबरदस्त हमें देखने को मिल रही है। तो यार मुझे लगता है यार आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अभी गर्मी में मतलब फुल मतलब फैन भी ऑफ किया हुआ है क्योंकि आपकी मतलब बैकग्राउंड में नॉइस नहीं आए, तो इसीलिए प्लीज यार वीडियो को लाइक करना, फुल पसीने में हो गया हूं। तो लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे अपना ख्याल रखना यार। फी अमानिल्ला, पाकिस्तान जिंदाबाद।